السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are your students? In last class, we started chapter 8. Basically, we continue chapter 8, that is nutrition. हमने इसके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं और उन्हीं टॉपिक्स को जो है वो हमने कंटिन्यू करना है. आई होप यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन इन दीज टॉपिक्स. आई एम फाइन एज वेल बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. लास्ट टाइम जो हमने अपना टॉपिक एंड किया था, ठीक है, हमने स्टार्ट किया था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है. ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो ख़ुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, अगर वो ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं तो वो हेटरोट्रॉफिक की कैटेगरी में हर्बीवोर्स में आएंगे, और अगर वो शिकार करके खा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं, तो वो कार्निवोर्स हैं. फिर हमने ये देखा कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के हैं. वो पैरासाइट्स हैं जो अपने होस्ट से फूड और शेल्टर जो है वो लेते हैं और होस्ट को हार्म कर देते हैं. टेपवॉर्म एंड हुकवॉर्म आर द बेस्ट एग्जांपल. सेप्टोट्रॉफिक में हमने ये देखा कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, आइदर प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल. हॉलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन थी जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हॉलोजोइक होगा जो फूड को इंजेस्ट करेगा, जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होगा इनटू फाइव स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस हॉलोजोइक ऑर्गेनिजम्स. अमीबा में हमने देखा कि हाउ इट गेट्स इट्स फूड एंड हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस, और पैरामीशियम में भी हमने इन्हीं चीज़ों को देखा. कल कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी कि पैरामीशियम जो है उसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं है. तो बेटा आई हैड टोल्ड यू, क्लास में भी मैंने डायग्राम को लेबल किया था जो चैप्टर फोर में या थ्री में, थ्री चैप्टर थ्री में गिवन है, ठीक है. और यहाँ पे भी मैं डिफरेंट डायग्राम्स आपको मैंने शो कर दिए हैं. लेबलिंग आपको डिफरेंट मिल सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कहीं लेबलिंग ज़्यादा होगी, कहीं कम. लेबलिंग तो वही होगी ना जो चीज़ है, ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं कि जो ओरल ग्रूव है, मतलब जो एक साइड में गढ़ा सा है जिसको ओरल ग्रूव कह रहे हैं, जहाँ से बेसिकली फूड एंटर हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेस्टिब्यूलम, ठीक है. फूड एंटर होगा. अब यहाँ देखें आप, यहाँ गुलेट जो हमने कल पढ़ा था कि फूड गुलेट में जाता है, उसकी जो लेबलिंग है वो मिसिंग है, ओके. तो आप अपने माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर रखिए कि फूड बेसिकली एंटर होता है फ्रॉम द ओरल ग्रूव, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टिब्यूलम, और वो गुलेट में जाता है जहाँ पर फिर उसकी जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग होती है. पैरामीशियम में भी फूड उसी तरह से स्टेप्स लेता है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन हॉलोजोइक न्यूट्रिशन. आई होप प्रीवियस लेक्चर इज़ क्लियर, यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड आर टूडेज लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क. मैं थोड़ा स्लो लेक्चर लेके चल रही हूँ, साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मुझसे पूछते रहिएगा, ओके जी. आर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. आर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है. अब मिनरल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स होते क्या हैं, ठीक है. मिनरल्स सॉलिड होते हैं जो नेचुरली अकेयरिंग होते हैं और हमारी जो ज़मीन है वहाँ मौजूद है. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मिनरल न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल सब्सटेंसेस बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कुछ ऐसी नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो करना चाहता है तो उसको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. तो प्लांट्स की अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, प्लांट्स की ग्रोथ में मिनरल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
ठीक है। तो होता क्या है कि इन मिनरल्स की प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये नेचुरली अकेयरिंग होते हैं। मुबशराज आंसर इज़ करेक्ट कि ये जो है वो हमारी नेचर में मौजूद होते हैं और प्लांट्स जो है वो इनको एब्जॉर्ब भी करते हैं, इनको यूटिलाइज भी करते हैं, अपनी जो है वो बॉडी की ग्रोथ के लिए इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। 78 to 79% नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन एयर। ये मौजूद होती है हवा में, ठीक है। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। यू नो वेरी वेल, यू हैव एन आइडिया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस करते हैं प्रोटीन पे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेस करते हैं किस पे? प्रोटीन्स पे। तो अगर आप ये देखें कि प्रोटीन्स को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स के जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं वो ज्वाइन होकर डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं, और उन अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए ज़रूरी है, उनको सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है, ठीक है। नॉट ओनली अमाइनो एसिड बट ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं अपना, ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से। तो क्लोरोफिल के बगैर तो ऑब्वियसली दे कांट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो उनको अगर एनर्जी चाहिए, उनको सर्वाइव करना है, उसके लिए फोटोसिंथेसिस एक नेसेसरी प्रोसेस है। इज़ दैट क्लियर? तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हो गया, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स, आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जिसके बगैर सेल जो है वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी सेल का जो डीएनए होता है वो बेस करता है इसी पे, ठीक है। तो उसके लिए नाइट्रोजन मैंडेटरी है। एंजाइम्स लिविंग सेल के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिज्म है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, दीज आर कैरीड आउट बाय एंजाइम्स। तो एंजाइम्स अगर उनको कैरी करते हैं तो उनकी प्रोडक्शन के लिए भी, उनके सिंथेसिस के लिए भी नाइट्रोजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। यू हैव रेड दिस टॉपिक, इज़ दैट क्लियर? तो नाइट्रोजन इज़ बेसिकली नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स। प्लांट्स में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ती है। इन केस अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर नाइट्रोजन की कोई कमी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में होता यह है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो शॉर्ट रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, रिड्यूस्ड यील्ड्स, जो भी उसकी पैदावार होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड देयर फोलिएज पेल ग्रीन, और उनके जो लीव्स होते हैं वो पेल ग्रीन से हो जाते हैं, ठीक है। उसमें येलोइश कलर जो है वो गालिब आने लगता है। लीव्स हमें मालूम है कि दीज आर ग्रीन इन कलर, लेकिन अगर वो ग्रीन कलर के नहीं हैं और वो येलोइश पे टर्न होना शुरू हो गए हैं, तो इट मींस कि दे आर शोइंग सम काइंड ऑफ एबनॉर्मैलिटी। तो यहाँ जो एबनॉर्मैलिटी शो हो रही है, दैट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। इज़ दैट क्लियर? अभी तो हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लिक एसिड में, एंजाइम्स में और साथ में क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए भी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अगर अमाइनो एसिड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसने प्रोटीन बनाने हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, तो अगर वही डेफिशिएंट हो जाएगी तो फिर आप देख सकते हैं कि प्लांट जो हैं वो किस तरह के हो जाते हैं और लीव्स जो हैं वो किस तरह की अपियरेंस दे रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम। When we talk about the role of magnesium, it is a constituent of chlorophyll which is needed in photosynthesis. Chlorophyll का जो basic या main constituent है वो magnesium होता है। It plays a very important role in photosynthesis. और आपको पता है कि plant basically depend ही photosynthesis पे करते हैं, एक ऐसा process जिसके through वो अपना food obtain करते हैं। अगर किसी living organism को उसका food ही ना मिले तो वो obviously वो survive नहीं कर सकता। बहुत सारे एंजाइम्स को मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है अपने फंक्शन को प्रॉपरली सरंजाम देने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से अपने काम करने के लिए एंजाइम्स को मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। तो इन केस
अगर प्लांट सफ़र करता है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी को फेस करता है, उस सिचुएशन में प्लांट में क्या क्या हो सकता है? इट कॉजेस इंटरवीनल क्लोरोसिस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेन्स जो प्लांट की होती हैं लीव्स की वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं जबकि येलो एरिया जो है वो साइड्स में आ जाता है, यू कैन सी हियर। अगर आप इन लीव्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी कि जो भी इनका सेंट्रल पार्ट है, लीव्स के बीच बीच का हिस्सा, आपको पूरा येलो नज़र आना शुरू हो रहा है, येलो होना शुरू हो गया। और जो इसकी वेन्स हैं, आपको पता है ना सेंटर में ये मिडरिब है और फिर इसमें से ये बारीक बारीक से जो लाइंस हैं, ये वेन्स हैं, ये ग्रीन कलर के रह जाते हैं। तो दिस सिम्टम इंडिकेट्स इट इज़ सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो होता क्या है कि ये उन एरियाज में ज़्यादा स्प्रेड होता है, प्रेवलेंट होता है, जो सैंडी टेक्सचर्ड होती हैं, ऐसी ज़मीन होती है जो रेत रेत या मट्टी मट्टी सी होती है, उनमें ये इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो है वो प्रेवलेंट हो जाए। इट इज़ सब्जेक्टेड टू लीचिंग, पर्टिकुलरली इन एक्सेस रेनफॉल। बहुत ज़्यादा जब बारिशें होती हैं, बारिशों का मौसम होता है, तो फिर लीचिंग की तरफ आ जाती है सॉइल। इसका मतलब यह होता है कि प्लांट्स के जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो एक्सेस रेनफॉल की वजह से, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वाटर में डिजॉल्व होते हैं और वो लॉस हो जाते हैं प्लांट से। ठीक है, अब बारिश का पानी बह के जिधर भी जा रहा है तो प्लांट के जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने साथ वो भी बहा के ले जाता है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, प्लांट विल सफ़र इंटरवेनल क्लोरोसिस एंड इट विल बी सब्जेक्टेड टू लीचिंग पर्टिकुलरली इन एक्सेस रेनफॉल। और ये ज़्यादातर कहाँ होगा? सैंडी टेक्सचर्ड सॉइल। आई होप यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन। यस, वॉट इज फर्टिलाइजर? डू यू हैव एनी आइडिया? फर्टिलाइजर क्या होते हैं भाई? अ फर्टिलाइजर इन एनी मटीरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन दैट इज अप्लाइड टू सॉइल और टू प्लांट टिश्यूज टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। Is that clear? Ataur Rahman, your answer is correct, beta. Very good. Fertilizer basically हमारे पास होते हैं two types के, ठीक है? Organic भी होते हैं और inorganic भी होते हैं। ये synthetic भी होते हैं, ये natural भी होते हैं। Yes. Your answer is correct, Mubashra. कोई भी फर्टिलाइज़र कहते हैं हम ऐसे मटेरियल को, ऐसे बेसिकली प्लांट के लिए एसेंशियल सब्सटेंस को, न्यूट्रिएंट्स को, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक क्वान्टिटी में हमें देना है, उसको जो है वो कब देना है, किस तरह से देना है, उसकी जो प्रॉपर डोज होती है, सही फास्ट डोज अगर न्यूट्रिएंट की है जो हमारे प्लांट को फीड करे, तो वो हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। ये आर्टिफिशियल होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो आर्टिफिशियल होते हैं और इनकी एग्जैक्ट डोजेस जो है ना वो प्रिपेयर की जाती हैं, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं हमारे पास वो नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं। जैसे मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूँ, ह्यूमन का एक्सट्रैक्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज होते हैं, एनिमल का होता है, मेन्योर है जिसे हम खाद कहते हैं ना, ठीक है, जो उसका वेस्ट होता है, तो वो भी जो है वो एज अ खाद, मतलब फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो फर्टिलाइज़र जो है अगर वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, दे आर प्रोड्यूसिंग देयर इफेक्ट इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, द रोल ऑफ फर्टिलाइज़र
is to increase yields and ensure healthy produce by supplying the right balance of nutrients to the soil. फर्टिलाइज़र की वजह से हमारी जो सॉइल है वो बेसिकली फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल को नरिश करते हैं, ठीक है. प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो वो सॉइल से जो है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं चीज़ों को. जो भी हमारे सब्सटेंसेज हैं उनकी डेफिशिएंसी ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं. तो फर्टिलाइज़र जो है वो एक न्यूट्रिएंट्स का राइट बैलेंस जो है ना वो सॉइल को देते हैं ताकि प्लांट्स को कहीं भी कोई डेफिशिएंसी ना हो, उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको कोई डिफ़िकल्टी जो है वो फेस ना करनी पड़े. Without fertilizer, the soil would be depleted, and therefore plants would be particularly difficult to grow. They cannot survive on water alone, and nor can we. चाहे हम हों चाहे प्लांट हों, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ हम और प्लांट्स जो है ना वो पानी पे सर्वाइव नहीं कर सकते. हमें अपने सर्वाइवल के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसमें से हम फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ताकि, क्योंकि वो हमारी सॉइल को जो है वो नरिश करते हैं और न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है. द फर्टिलाइजर्स कंटेन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं वो कंटेन करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स required by the plants, including nitrogen, potassium and phosphorus. They enhance the water retention capacity of the soil and also increase its fertility. Basically, fertilizer में जो essential nutrients होते हैं जिनकी plant को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसकी need होती है, वो है nitrogen, potassium and phosphorus. इनको different concentrations में use किया जाता है जिसकी वजह से जो है वो ये हमारी soil को nourish करते हैं. ये बढ़ा देते हैं सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो प्लांट को मिल सके. जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट है पानी की वो उसको बहुत अच्छे से अवेलेबल हो, उसको कहीं किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो. सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इन्हेंस करते हैं, सॉइल को उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उसको ऐड करते हैं. बेसिकली दे आर वेरी हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट. Yes, everything is clear. The topic is environmental hazards related to chemical fertilizer. अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं हमारे माहौल पर, हमारा माहौल जो है वो किस तरह से सफ़र करता है, ठीक है. जो भी आर्टिफिशियल आप यूज़ कर रहे हो, जैसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, जैसे हमारे पास आ रहा है सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी. ज़मीन की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसके पास गुंजाइश होती है कि हाउ मच न्यूट्रिएंट्स इट कैन होल्ड. द मैसिव क्वान्टिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ होती है ना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ये फुल्ली आर्टिफिशियल्स होते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र हैं, तो ये अफेक्ट करते हैं सॉइल की न्यूट्रिएंट्स होल्डिंग कैपेसिटी को, ठीक है. नेचर ने जो चीज़ें हमें दी हैं अगर हम उससे हट के कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वी हैव टू सफ़र. हमें जो है वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को फिर बर्दाश्त करना पड़ता है. उसके कुछ गुड इफ़ेक्ट्स होंगे तो कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं. तो साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स की होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो बहुत हद तक मुतासर हो जाती है. यूट्रोफिकेशन, द हाई सॉलिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन. हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिग्रेड होता है इस यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस से. और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हाईली सॉलिबल होते हैं, उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो जब सॉइल में वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन कॉज होता है. अब यूट्रोफिकेशन है क्या, बेसिकली यू कैन सी ऑन स्क्रीन.
द हाई सॉलिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर, सॉरी, एन इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स, टिपिकली कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन एन इकोसिस्टम। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो बहुत बुरी होती है। हर चीज़ को एक लिमिट में उसके सही तवाज़ुन के साथ जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर केमिकल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो हमारे इकोसिस्टम पे डालते हैं और उसको डिग्रेड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मे कॉज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस जो लेक्चर देखा उसमें पढ़ा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्टिलाइज़र। तो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र है और हम उसको स्टोर करते हैं या उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से चांसेस ये होता है कि ग्रीन हाउस जो गैस है वो एमिट हो। ग्रीन हाउस गैसेज में हमारे पास जो चीज़ें शामिल होती हैं वो जैसे वाटर वेपर्स आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, इसमें जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है। तो हम होता क्या है कि ये वो गैस होती है या वो इस तरह की गैसेस होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं या एमिट करती हैं रेडिएंट एनर्जी को, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर होता है ना अर्थ का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप बिलीव करें कि अगर ये गैसेस ना हो तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट की हम बात कर रहे हैं। और अगर यही जो टेम्परेचर है, ठीक है, जैसे अभी हमारा है तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस या 59 डिग्री जो फ़ारेनहाइट पे चलता है अप्रॉक्सीमेट, तो ये जो इस तरह के जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वो इन्हीं गैसेस की वजह से होते हैं। तो अगर ये गैसेस लिमिट में हैं तो हमारी अर्थ का जो एक टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हमारे लिए बियरेबल होता है। लेकिन अगर वो एक्सीड करना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग सिस्टम, आइदर प्लांट और एनिमल। आर यू गेटिंग दिस एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर? आई होप यू आर गेटिंग, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। Soil acidity. Ammonia may be emitted from applied inorganic fertilizers. This extra ammonia gas can also increase soil acidity. आपको पता है कि जो inorganic fertilizer हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो जो हैं artificial होते हैं, fully artificial fertilizers होते हैं inorganic fertilizers, ठीक है। तो जब भी हम inorganic fertilizers की बात करते हैं तो sometimes ऐसा भी होता है कि प्लांट की स्पेसिफ़िक नीड्स के चक्कर में जो हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स दे रहे होते हैं तो उसमें से अमोनिया रिलीज़ होती है, ठीक है। अगर उसमें से अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है तो सॉइल को एसिडिक कर देती है, उसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ा देती है। वैसे तो देखें सॉइल की अपनी एक पर्टिकुलर पीएच होती है अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए जो पीएच कंसिडर की जाती है वो 6 to 8 की जाती है, कि इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। वैसे तो वो एरिया वाइज डिपेंड करती है, प्लांट्स भी एरिया वाइज मौजूद हैं, लेकिन अगर जनरली आप देखें तो 6 to 8 को कंसिडर किया जाता है कि बेस्ट पीएच फॉर द प्लांट ग्रोथ। लेकिन अगर सॉइल एसिडिक होना शुरू हो जाएगी तो प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्टेड होगी, दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। इज़ दैट क्लियर? यस, क्लियर। पेस्ट प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिव रेट ऑफ पेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से जो पेस्ट होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। I'm giving you 30 seconds. Do you know what are pest? Pest किसको कहते हैं? ज़रा मुझे बताइए जल्दी से।
आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, हरी अप। यस अनस बिन जही, यू आर राइट। मुबशरा, अच्छा अताउर रहमान ने जो मुझे मैसेज किया है ना, इंसेक्ट्स दैट ईट प्लांट्स, बेटा ऐसे इट्स रॉन्ग आंसर मुबशरा, रॉन्ग आंसर। ऐसे इंसेक्ट्स जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, जो हमेशा किसी भी फील्ड को, क्रॉप को हार्म करते हैं, जो नुकसान पहुंचाएं, अटैक करें, ठीक है, तो वो इंसेक्ट कहलाते, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट जो होते हैं ना वो पेस्ट कहलाते हैं। देखें आप हमेशा कहते होंगे यार पेस्ट और इंसेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि इंसेक्ट भी तो वही है। देखें पेस्ट एक ब्रॉड टर्म है जो बेशक इंसेक्ट्स को कवर कर रही है, लेकिन इंसेक्ट जो हैं वो अच्छे भी होते हैं फॉर क्रॉप्स। जो भी आपकी फसलें हैं, फील्ड्स हैं, क्रॉप्स हैं, इंसेक्ट्स तो फार्मर फ्रेंडली इंसेक्ट्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स तो हेल्प भी करते हैं ना, लेकिन पेस्ट जो है वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई नुकसान दे रहे होते हैं क्रॉप्स को हमारी, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। इनको किल करने के लिए अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम एक केमिकल यूज़ करते हैं, दैट इज़ पेस्टिसाइड। तो मुबशरा बेटा पेस्टिसाइड इज़ ए केमिकल, नॉट द पेस्ट। आर यू गेटिंग? द नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट बैलेंस। न्यूट्रिएंट बैलेंस इज न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल एंड क्रॉप मस्ट बी बैलेंस्ड, अदरवाइज एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन में टेक प्लेस। हमारी जो भी सॉइल है या जो भी हमारी फसल होती है उसको जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो बैलेंस्ड हो, परफेक्टली बैलेंस्ड हो। अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो हम उसको, जैसे फर्टिलाइज़र अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम फर्टिलाइज़र इसीलिए तो दे रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसको अवेलेबल हो अगर उनकी डेफिशिएंसी है और उसकी नीड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ गई तो वो पॉल्यूशन की तरफ जा रही होती है, मतलब आलूदा कर रही होती है उस चीज़ की, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो उसको ख़राब कर रही होती है, ठीक है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अगर वो मौजूद है तो फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी और वो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आई होप दिस इज़ क्लियर, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमने जो भी फर्टिलाइज़र का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो उसमें हमने जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र देखा और साथ में जो है वो हमने उसके साथ उसके एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स देखे। Now I am going to start components of human food. What do you understand by the heading components of human food? There are 7 major classes of nutrients needed to survive by holozoic organisms. Holozoic organisms, अभी हमने पढ़ा कि वो organisms जो अपना food ingest करते हैं, ठीक है, तो उनको 7 मेजर क्लासेस जो न्यूट्रिएंट्स की हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इनमें से अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी कहीं ना कहीं उस चीज़ को सफ़र कर रही होती है, कोई ना कोई एबनॉर्मैलिटी या कोई ना कोई डिज़ीज़ जो है वो शो कर रही होती है। तो जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अब ब्रेकफास्ट में आप जो है वो स्लाइस ले रहे हैं, पराठा ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, जो भी आप खाते हैं, ठीक है, वो फूड है। अब किसी में प्रोटीन है, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑयल में पका रहे हो, फैट है, हर चीज़ जो है वो आपकी बॉडी को मिल रही है। सारा दिन में आप कितनी दफ़ा पानी पी लेते हैं, तो ऑब्वियसली वाटर यहाँ इंक्लूड है। फ्रूट्स वगैरह आप अच्छे से खा रहे होते हैं, वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, फाइबर आपकी बॉडी को मिल रहा होता है, ठीक है, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं या दूध होता है तो मिनरल्स आपकी बॉडी में ऐड हो रहे होते हैं, तो इन हमें पता भी नहीं चलता। और जो भी हम खा रहे होते हैं वो हमारी बॉडी का जो पार्ट बनता है, ठीक है,
तो वो सब जो है ना वो ह्यूमन फूड के कंपोनेंट्स हैं, वो हम ले रहे होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? अ कार्बोहाइड्रेट अ कार्बोहाइड्रेट इज अ बायो मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक बायो मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इनसाइड द लिविंग बॉडी मौजूद है। तो ये कंसिस्ट करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो आपको ये तीनों एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे, यूजुअली विद अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ 2:1। अभी हम आगे ग्लूकोज का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये खास रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इस बायो मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। द टर्म इज मोस्ट कॉमन इन बायोकेमिस्ट्री वेयर इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है एक और, वो सैकराइड का वर्ड यूज़ किया जाता है। सैकराइड जो है ना वो स्वीटनेस को, शुगर को इंडिकेट कर रहा होता है। तो कहीं भी अगर आप वर्ड सैकराइड यूज़ करते हैं, इट मीन्स के यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा ग्रुप दैट इंक्लूड्स शुगर, स्टार्च एंड ग्लूकोज। यू आर फैमिलियर विद ऑल दीज टर्म्स। आप जो हैं वो बड़े अच्छे से फैमिलियर हैं, जानते हैं हर चीज़ को। शुगर क्या होती है, स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल है, ये सब कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आती हैं। शुगर आप यूज़ करते हैं, मिठास, चीनी, ठीक है, जो भी आप स्वीटेंट यूज़ कर रहे होते हैं, जो वो सब कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च, प्लांट्स अपनी बॉडी में स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मिल जाता है। सेलुलोज आप जानते हैं, सेलुलोज आपने कहाँ पढ़ा था? जो भी प्लांट सेल होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब रिलेट करती हैं कार्बोहाइड्रेट से। द सैकराइड्स आर डिवाइडेड इंटू फोर केमिकल ग्रुप्स। इसको हम डिवाइड करते हैं फोर केमिकल ग्रुप्स में, मोनोसेकराइड्स, डाइसेकराइड्स, ओलिगोसेकराइड्स एंड पॉलीसेकराइड्स। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि टॉयज़ आते हैं, छोटे बच्चों के आपने टॉयज़ देखे हैं, उनमें ब्लॉक्स आते हैं, डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स होते हैं, एक एक ब्लॉक सेपरेट है। आप उन ब्लॉक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और कोई भी शेप क्रिएट करते हैं, एरोप्लेन, ट्रेन, रोबोट, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिफरेंट पज़ल्स होते हैं। तो पज़ल्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, पीसेज हैं, उनको ज्वाइन करके आपने एक पिक्चर बना दी। ठीक है, तो आपका जो एक एक ब्लॉक है या एक एक पज़ल का पार्ट है वो ग्लूकोज है, समझे आप? वो ग्लूकोज आपस में ज्वाइन होते रहेंगे और वो डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो अगर आपके पास जो है वो उनकी जो नंबरिंग होती है ना, ये उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मोनोसेकराइड ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये जो शुगर रेफर की जाती है, मोनोसेकराइड्स ये स्मॉलेस्ट होते हैं। डाईसेकराइड्स में हमारे पास दो दो सेकराइड्स होते हैं, मतलब टू मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट इसके। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि ये डाईसेकराइड हैं जी, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैं या टू मॉलिक्यूल्स जो इनके मोनोमर होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। द वर्ड सैकराइड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग शुगर। सैकराइड बेसिकली कहते ही शुगर को हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोनोसेकराइड्स मतलब फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, जो भी फ्रूट्स आप खा रहे होते हो वो स्वीट होते हैं। वो स्वीटनेस उसकी कहाँ से आ रही होती है? क्योंकि उसमें फ्रक्टोज मौजूद होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर। ठीक है, प्लांट की अपनी जो बॉडी में बन रहा है वो ग्लूकोज है। एंड द डाइसेकराइड सुक्रोज, सुक्रोज एक डाइसेकराइड है जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, कीन और बीट शुगर जो है वो कहा जाता है, लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं या कोई और आइटम ले रहे होते हैं तो उसमें जो सेकराइड्स मौजूद हैं उसकी वजह से उनका टेस्ट जो है वो स्लाइट स्वीट हो जाता है। और अगर आप समटाइम्स आपको फील नहीं भी होता तब भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो उनकी प्रेजेंस जो है वो अपना फंक्शन कर रही होती है, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा बायो मॉलिक्यूल है जो कंसिस्ट करता है, जो बेस करता है तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
जिसमें एक पर्टिकुलर रेशो है इन तीनों एलिमेंट्स का, जिसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके रेशो को जो है वो 2:1 का कंसिडर करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की जो बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में कॉमन है, तो हम इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, वो सैकराइड करते हैं। सैकराइड का मतलब होता है शुगर, जैसे मिठास होती है, जैसे चीनी होती है। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या आती है, जैसे फ्रूट शुगर आती है, मिल्क शुगर आती है, ठीक है, जिसको हम फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज या सुक्रोज कहते हैं। आपके घर में जो फूड आइटम्स आ रहे होते हैं ना, ठीक है, मिल्क पैक अगर आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, घर पे आते हैं, तो आप उनके इंग्रेडिएंट्स देखा करें, ठीक है, उनमें जो भी चीज़ें शामिल होती हैं ये सारे नाम आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप में से अगर किसी के भी पैकेट मिल्क आता है, मिल्क पैक आता है, तो आप लाजमी उसमें चेक करें, आपको क्लियर होगा कि हाँ इन चीज़ों में ये चीज़ें शामिल हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, ठीक है, हर वो आइटम जो दूध से मिलके बनता है, जैसे दूध है, मिल्क है, योगर्ट, दही है, आइसक्रीम है, इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, ये बेस्ट सोर्स होती है एनर्जी की, आपको जो है वो इंस्टेंट सोर्स, इमिडिएट सोर्स होती है एनर्जी की, जो बहुत तेज़ी से आपको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। फ्रूट, सारे फ्रूट्स, जितने फ्रूट जूसेस हैं, फ्रूट में तो कार्बोहाइड्रेट मस्ट होता है। कोई सा भी फ्रूट हो, उसका अपना एक पर्टिकुलर स्वीट टेस्ट होगा एंड इट विल शो। कार्बोहाइड्रेट्स नाउ द थर्ड वन इज ग्रेन्स। ग्रेन्स किसे कहते हैं? जो बीज वगैरह होते हैं, सही है, जो दाने होते हैं, जैसे गंदम है, चना है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, चावल है, क्रैकर्स हैं, सीरियल्स हैं, जो अनाज होते हैं ना, बेसिकली जो भी अनाज है वो इसी कैटेगरी में आते हैं एंड दे ऑल हैव कार्बोहाइड्रेट। आप रोटी वगैरह खाते हैं ना, चावल खाते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी बिकॉज दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स। चावल के बारे में तो मशहूर है कि वो जो राइस होते हैं उनका जो पानी होता है तो वो स्टार्च ही तो होता है, ठीक है। अच्छा जी, लेग्यूम्स हम किसे कहते हैं? जो फली होती है, जो बीन्स होती हैं, ठीक है, और जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स हैं इन सब में मौजूद होता है। स्टार्ची वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा स्टार्च, जैसे कॉर्न, भुट्टा जो होता है, एंड पोटैटोस। आलू में बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। शुगरी स्वीट्स, लेमन टी, सोडा, कैंडी, कुकीज़ एंड अदर डेजर्ट्स, जो कुछ भी आप मीठा खा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो मीठा होता है ना, अदर देन फ्रूट्स, जो आप कुकीज़ ले रहे हैं, कैंडीज़ ले रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं। बेशक दे आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपका वेट भी इंक्रीज कर रहा होता है। आपको पता है ना, शुगर, मीठा, कस्टर्ड है, जो भी आपके खीर है, इस तरह की चीज़ें अगर आप ज़्यादा खा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गेनिंग योर वेट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। इज दैट क्लियर? इनमें से कुछ जो हैं वो फ्रूट्स में मौजूद हैं, कुछ जो हैं वो मिल्क में मौजूद हैं, ठीक है, कुछ जो हैं वो वेजिटेबल्स में मौजूद हैं, जैसे लैक्टोज है, मिल्क शुगर है, सुक्रोज है, टेबल शुगर है, स्टार्च जो है वो प्लांट में की बॉडी में स्टोर होता है, ग्लूकोज के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होकर स्टार्च बनाते हैं, सेलुलोज है, प्लांट मटीरियल, प्लांट जो भी है बॉडी उसकी, प्लांट सेल बेसिकली, उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। तो ये सारी चीज़ें, इट वॉज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या हैं? व्हाई दे आर नीडेड इन आर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स सर्व सेवरल की फंक्शंस इन योर बॉडी। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी। दे प्रोवाइड यू विद एनर्जी फॉर डेली टास्क एंड आर द प्राइमरी फ्यूल सोर्स फॉर योर ब्रेन्स हाई एनर्जी डिमांड। हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी की डिमांड होती है, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को जितनी एनर्जी की नीड होती है,
वो सारी जो फुलफिल हो रही होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू होती है, ठीक है। ये इमीडिएट सोर्स होती है, फौरी तौर पे अगर हमें एनर्जी की नीड है, कार्बोहाइड्रेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टू प्रोवाइड एनर्जी। फाइबर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट हेल्प्स प्रमोट गुड डाइजेस्टिव हेल्थ एंड मे लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़। जो भी आपके फूड आइटम्स होते हैं, स्पेशली फ्रूट्स, उनमें फाइबर मौजूद होता है। अगर फाइबर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो वो जो है ना, वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। जो डाइट्री, जो हमारा रफेज होता है, डाइट्री फाइबर्स होते हैं, वो बॉडी की बहुत सारी डिजीज़ को रिमूव कर रहे होते हैं, और हमारे बॉवल की जो मूवमेंट होती है उसको अच्छे से रखते हैं, हार्ट डिजीज़ के या डायबिटीज़ के जो चांसेस होते हैं उनको कम कर देते हैं, ठीक है। फ्रूट स्वीट बेशक है, बट इट डज़ नॉट हार्म टू एनीवन। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वो कम से कम किसी नॉर्मल को जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल को फ्रूट हमेशा फ़ायदा करता है, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि अच्छा चलें प्रोटीन भी कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिवाइज़ कर दूँगी पूरा टॉपिक। प्रोटीन्स क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, और ये बनते किससे हैं? अमाइनो एसिड्स से। मैक्रो मॉलिक्यूल की टर्म हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये पॉलीमर्स होते हैं, और इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली यू हैव हर्ड एंड यू हैव रेड सो मेनी टाइम्स, आपको पता है कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो टोटल 20 होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या है? टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो जो है वो 100 to 1000 जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो बना रहे होते हैं, ठीक है। कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर। इंग्लिश में अगर टोटल अल्फ़ाबेट्स हम देखें तो वो 26 हैं, लेकिन कैन यू काउंट द स्पेलिंग्स? क्या आप स्पेलिंग्स काउंट कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी की, या टोटल जो स्पेलिंग्स होती हैं इंग्लिश की? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 26 अल्फ़ाबेट डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, डिफरेंट नंबर्स में अरेंज होते हैं, और वो अनकाउंटेबल स्पेलिंग्स जो हैं वो बना रहे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो इतनी ज़्यादा स्पेलिंग्स बन रही होती हैं कि हम तो उसको काउंट ही नहीं कर सकते। सेम केस हेयर, अमाइनो एसिड्स 20 हैं एसेंशियल, और फिर वो आपस में मिलके जो है वो हज़ारों की तादाद में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, और हमारी बॉडी की ग्रोथ में, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? तो प्रोटीन जो है वो किस किस चीज़ में पाया जाता है? मीट और फिश। बेसिकली फिश बेस्ट सोर्स होते हैं प्रोटीन की। अगर आप सी फूड ले रहे होते हैं तो बहुत बेस्ट, जिसे कहते हैं ना सबसे अच्छी जो एक सोर्स होती है वो फिश होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे पोल्ट्री है, आप चिकन वगैरह खा रहे होते हैं, दूध अगर आप पी रहे हैं अच्छे से, या जो योगर्ट है, ठीक है, दही वगैरह आप ले रहे होते हैं, अंडे, बीन्स जो हमारे बीज होते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो दालें, दालों में पल्सेस जिन्हें हम कहते हैं, बहुत अच्छे से जो है वो अवेलेबल होती हैं प्रोटीन्स। यस। तो अगर आपने जो है वो बॉडी की प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, तो आप जैसे अभी हमारा जो मौसम है, अभी विंटर सीज़न चल रहा है, इसमें फ़िश जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे अगर आप 1 पीस ले रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बोन्स, फॉर योर बॉडी प्रोटीन, आपकी हेयर ग्रोथ, आपकी जो स्किन है वो सब बहुत अच्छी हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? तो
प्रोटीन जो है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ और किस किस तरह से जो है वो काम करती है। अच्छा जी, प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है ग्रोथ में, ठीक है, एंड मेंटेनेंस, बॉडी को मेंटेन करती है, बॉडी की ग्रोथ जो है वो प्रोटीन उसमें हेल्प करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है बॉडी में हो रहे होते हैं वो एंजाइम्स के थ्रू होते हैं, और एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है, आप ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं दैट कंस्ट्रक्ट आर बॉडी। हमारा हमारे हेयर जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, हमारी स्किन है, हमारे नेल्स हैं, तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स में अगर आप देखें तो सेल की मेम्ब्रेन में से इनसाइड द सेल, मतलब एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रोटीन। हमारी बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन करती है, जो फ्लूइड्स होते हैं उनका बैलेंस मेंटेन करती है, जो इम्यून हेल्थ होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट करती है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट्स में उनकी स्टोर्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन इज़ वेरी एसेंशियल। इज़ दैट क्लियर? हम इस टॉपिक को अभी यहीं पे रखते हैं, ठीक है, और टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट वेनेसडे है, लिसन केयरफुली, मैं टेस्ट लूँगी चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स का, ठीक है। तो बायो एनर्जेटिक्स में जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स है, या फिर जो है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, इन सबको बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन का डिफरेंस देख लीजिएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन का डिफरेंस आपने देख लिया, इसी तरह से आप जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के डिफरेंस के बाद आप जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन है उसका डिफरेंस देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो है वो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्वेश्चन की फॉर्म में लर्निंग कीजिएगा, एमसीक्यूज आपके निकल जाएंगे और क्वेश्चंस जो है वो आप अच्छे से उसके प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड एट होम, टिल देन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।